चलिए दोस्तों आगे कर लेते हैं फिर से क्वेश्चन आंसर सीरीज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आपके परीक्षा में इस चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, तो बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अस्त होते समय यानी सूर्यास्त और सूर्योदय की बात कर रहा है। कह रहा है सूर्यास्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता, ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों मैंने पढ़ाया आपको इसके पीछे वाले लेक्चर में, मैंने आपको बताया था प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। किसके वजह से? प्रकीर्णन की वजह से सुबह और शाम के टाइम सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, प्रकीर्णन वजह है, इसको याद रखिएगा। देखिए ये आपके यूपीपीसीएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे दे रहा है क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? क्षितिज, ठीक है, क्षितिज मतलब वही सूर्यास्त सूर्योदय जहां पर तो क्षितिज है उसको माना जाता है सूर्य, तो वहां पर दोस्तों इसका कह रहा है कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार यानी बड़ा दिखाई देता है। जब तक जब दोपहर में देखेंगे सूर्य को छोटा दिखाई देता है, लेकिन सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय या जब चंद्रमा का उदय होता है अंत होता है तो उस समय बड़ा दिखाई देता है। वजह क्या है दोस्तों? यहां पे प्रकीर्णन वजह नहीं है, लोग गलती ही करते हैं, लोग रट के चलते हैं ना। जैसे उन्होंने इसका पढ़ा कि सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखता है, उसका वजह प्रकीर्णन है, लेकिन बड़ा क्यों दिखता है, इसका वजह अपवर्तन है, इसका वजह अपवर्तन है। जी हाँ दोस्तों, तो आप गलती मत करिएगा, फिर से आपको बता दे रहा हूं, लाल होने की जो वजह दिखती है वो प्रकीर्णन है, लेकिन अगर हम यहां पे इसके दीर्घवृत्ताकार होने की बात कर रहे हैं तो उसका वजह क्या है? अपवर्तन है। ठीक है, ये भी आप एकदम गलती करिएगा ही मत। आगे दे रहा, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य यानी दिखाई देने लगता, मतलब प्रकाश दिखाई देने लगता है, तो इसका कारण क्या है? दोस्तों इसका कारण भी अपवर्तन ही है, इसका कारण भी अपवर्तन है। ठीक है, इसको याद रखिए, एक एक पॉइंट यहां पर प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। पिछला वीडियो देखे होंगे तो आप लोग बता देंगे, क्योंकि ये सब एग्जांपल में मैंने डाल रखा था। समुद्र नीला प्रतीत होता है, समुद्र के नीला प्रतीत होने की बात कर रहा है। ठीक है, दूर से देखने पर करा अधिक गहराई के कारण या आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या जल के नीले रंग के कारण या जल की ऊपरी सतह के कारण। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर दो, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें समुद्र दूर से देखने पर नीला दिखाई देता है, उसका वजह यह है। ठीक है, गलती मत करिएगा दोस्तों, सही करिएगा। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए, आईएएस सन 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। करा स्थलीय तापन किसके बारे में पूछ रहा है? करा प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए, स्थलीय तापन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका, मृग मरीचिका की बात कर रहा है, जो रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनता है। अरे दूर से देखने पर आपको जल नजर आता है, लेकिन जब आप पास में जाते हो तो देखते हो वहां पे कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए जरूरी क्या होता है दोस्तों? जल्दी से बता दीजिए, जरूरी क्या हो जाएगा? ये प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। ठीक है, अपवर्तन करिएगा यहां पर, क्यों क्या होगा बताइए? प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का परावर्तन, सोच समझ के अंतर दीजिए। यहां पर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन और स्थलीय तापन, दोनों को जोड़िए तब जाकर के ऐसी घटनाएं बनती हैं। मुझे लगता है यहां पर ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही होगा। ठीक है, स्थलीय तापन, क्योंकि इस तरह की चीजों पर जिम्मेदार स्थलीय तापन भी होता है। ठीक है, तो याद रखे, क्योंकि हवाएं गर्म होती हैं वो नीचे बैठती हैं और उनसे ये मिरर जैसा एक चीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, किसी तारे का रंग से पता चलता है उसका। ठीक है, तारे का रंग दोस्तों, तारे के रंग से तारे की ऊर्जा या गर्मी या उष्मा या फिर ताप का, टेम्परेचर का पता चलता है। ठीक है, देखिए तीन तरह के तारे होते हैं, या नीला तारा होगा, पीला तारा होगा, सफेद तारा होगा। ठीक है, नीला, पीला, सफेद, लाल तारा, फिर उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। तो नीला तारा जो होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, रीजल हमारे पृथ्वी के सन्निकट एक नीला तारा है, इसको याद रखेगा, रीजल तारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही हो जाएगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? पहले पढ़ा दिया हूं कि प्रिज्म से गुजार लीजिए प्रकाश को, रंग अलग हो जाएंगे। तो ऑप्शन देखिए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, सही है, है कि नहीं? सही है। और इसी तरीके पे दोस्तों इंद्रधनुष भी बनता है, क्योंकि वहां पर जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो प्रिज्म का काम करती है। ठीक है, आगे आकाश नीला लगता है, क्योंकि आकाश नीला दिखाई, अभी समुद्र नीला दिखता था, अभी आकाश नीला होने की बात कर रहा है। कह रहा है सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है, नहीं इसका कोई मतलब नहीं है, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। दूसरा दे रहा है लघु तरंग
दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। हाँ, प्रकीर्णन की वजह से दोस्तों ये आकाश नीला दिखाई देता है। एक मिनट आगे पढ़ लेते हैं। नीला रंग नेत्र को अधिक सुग्राही बनाता है। वायुमंडल दीर्घ तरंग को लघु तरंग की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता नहीं, उल्टा दिया हुआ है। याद रखें, लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है, उसकी वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, यह भी आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आगे देखें, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? सबसे ज्यादा ऊर्जा मैंने बताया नीला प्रकाश, नीला तारा, नीला प्रकाश। अरे आप ऐसे याद कर लो ना यार, आपके घर में गैस चूल्हा होगा ना, एलपीजी गैस होगा ना, उसको आप जलाते हो तो कैसा जलता? नीला। लेकिन जब वो खत्म होने वाला होता है तो धीरे धीरे पीला और लास्ट में लाल जल के बंद हो जाता है। ठीक है, लाल जलने, पीला जलने लगता है तो घर में कहा जाता है कि भाई गैस लेके आओ, सिलेंडर लेके आओ, जल्दी से ये खत्म होने वाला है। और जब लाल जलने लगा फिर कहानी खत्म हो जाती। तो बस वहीं से समझो ना, नीला तारा। ठीक है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसका होता है। प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु, अरे ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात कर रहा है, ओएफसी केबल, जिसका इस्तेमाल एंडोस्कोपी में किया जाता है। तो यहां पर सही क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? वेवलेंथ दोस्तों तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका होता है? ठीक है, तो याद रखें बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य दोस्तों सबसे कम होता है। ठीक है, जब एक सीडी ऑडियो या वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, सीडी की बात कर रहा है, नॉर्मल सीडी, ये ब्रैकेट वाला मत पढ़िए, सीडी जानते हैं ना, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, ठीक है, कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इसमें इंद्रधनुष के समान अनेक रंग दिखाई देते हैं। अरे वही सात रंग तो सीडी डीवीडी में भी दिखते हैं। ठीक है, कह रहा है इसकी व्याख्या की जा सकती है, परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना से। परावर्तन एवं पारगमन, पारगमन, पारगमन तो सब काट दीजिए, पारगमन कुछ नहीं है। तो यहां पर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, परावर्तन एवं विवर्तन की घटना से वो ऐसा दिखता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, याद रखें प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ऑप्शन नंबर एक यहां पर सही हो जाएगा। इसमें लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, नहीं पता क्यों, लेकिन याद रखें प्रकीर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर शब्द याद रखेगा, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? अभी अभी पढ़ाया हूं जस्ट आपको। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों ये पूर्ण बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, व्यतिकरण याद रखें सबसे बेस्ट है, व्यतिकरण, व्यतिकरण के कारण ऐसा दिखाई देता है। बाकी व्यतिकरण के साथ और भी दे रहा है तो ये याद रखेगा, बहुलित परावर्तन ध्रुड़ मत करेगा, ध्रुड़ पोलराइजेशन होता है वो अलग है। ठीक है, तो याद रखें पहला वाला ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, कुल आंतरिक परावर्तन। ठीक है, कुल आंतरिक परावर्तन की बात कर रहा है तो याद रखें हीरे, हीरे में यदि प्रकाश को डाला जाता है तो याद रखिए हीरा चमक उठता है, तो याद रखिए यह सही हो जाएगा, हीरे से कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। ठीक है, तो यही होगा, हीरा याद रखेगा। आगे, हीरा अपने ही आकार के अनुसार कांच से अधिक झिलमिलाता है, कारण दे रहा है हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। ठीक है, ना ना गलत दे रहा है दोस्तों, हीरे का अपवर्तनांक कम नहीं होता, ज्यादा होता है, तभी तो चमक ज्यादा होती है। तो यहां पर ए तो सही है लेकिन आर गलत हो, ठीक है, आर गलत है, तो इसको देख लीजिए सही है। मैं एकदम बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिए, सही बता रहा हूं। ठीक है, आगे, हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्यों? तो याद रखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अब पूर्ण की जगह लिख दिया सामूहिक, अब आधा लोग परेशान, सर नया शब्द आ गया, अरे पूर्ण कहिए, सामूहिक कहिए, कंप्लीट कहिए, एक ही टोटल कहिए, सब एक ही बात है भाई। ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है? बताइए सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य किसका? प्रकीर्णन सबसे कम तो तरंग सबसे, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, तभी तो लाल रंग के सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे दे रहा, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, इसका वजह क्या है? अपवर्तन के कारण भाई। ठीक है, अरे सिक्का रख लो पानी में, उठा दिखाई देता है, तरल ताल कम दिखाई, सब अपवर्तन की कहानी है। ठीक है, आगे देखिए, पारदर्शी यानी जो पेरिस्कोप होता है, पारदर्शी परिदर्शी बड़ा खतरनाक शब्द है, टेलीस्कोप याद रखिएगा, पेरिस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, पेरिस्कोप जो है ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्शन नंबर फोर सही हो जाएगा। प्रकाश की गति की तुलना रेडियो तरंग की गति, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कैसी होती है? कम होती, ज्यादा होती, एक समान होती है या अनंत होती है? नहीं, सबसे तेज गति से तो वैसे
प्रकाश ही चलता है, लेकिन प्रकाश एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, और मुझे लगता है रेडियो तरंग भी एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अगर मैं सही हूं तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही हो जाएगा। वैसे मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप एक बार गूगल कीजिए और बताइए, ठीक है, आप सभी मिलकर बताइए। मैंने जो वजह दिया मेरे हिसाब से यही उत्तर है, क्योंकि रेडियो वेव्स जो है ये भी एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग आयाम से, आवृत्ति से, गुणवत्ता से या वेग से। प्रकाश का रंग तो आवृत्ति से संबंधित करिए ना, आवृत्ति से संबंधित हो जाएगा ये तो, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर ओएफसी केबल की बात कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, और उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, एंडोस्कोपी में होता है, अल्ट्रासाउंड नहीं, एंडोस्कोपी में, जो अंदर डाल के डॉक्टर चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है जब कोई पदार्थ गर्म हो जाए, नहीं, विद्युत आवेशित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगे, बिल्कुल सही। याद रखिए यहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव कब कहा जाएगा, जब कोई पदार्थ विद्युत आवेशित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगे तब कहा जाएगा, ठीक है। प्रकाशी तरंगे कैसी होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, सबसे आसान, मतलब एक लाइन में इसको याद रखिए, इसके आगे दो शब्द लगा के हमेशा याद रखा करिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे, प्रकाश के आगे लगा के हमेशा याद रखिए, क्योंकि परीक्षा में एक नंबर देने के लिए हमेशा बैठा होता है। एक इंडोस्कोपी है, इंडोस्कोपी क्या होता है, करा सरल सूक्ष्मदर्शी, गलत है। अरे इंडोस्कोपी से मरीज के पेट के अंदर की चीजें देखी जाती है, ठीक है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से, किसके माध्यम से, ओएफसी केबल के माध्यम से पूर्ण हो पाता है। तो यहां पर तीनों गलत दिया है, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश किरणों की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है, कड़ के समान, तरंग के समान, या दोनों के समान, या थोड़ा तरंग थोड़ा कड़। तो याद रखिए थोड़ा तरंग थोड़ा कड़ कर लीजिए, सही है, अंशतः कड़ और अंशतः तरंग के समान होती है, ठीक है। अगर ये दोनों वाला कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब खाली तरंग और खाली कड़ की बात कर रहा, नहीं, दोनों एक साथ करिए। थोड़ा एक तरासा हुआ हीरा चमकीला दिखाई देता है, वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे कैसे पूछा जा सकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने पर आंखों को अत्यधिक क्षति पहुंचती है, क्योंकि परावैगनिक किरणें थोड़ा और खतरनाक रूप धारण कर लेती, इस वजह से आंखें आ सकती हैं, उसको बोलते हैं आंख आना, आंख खराब हो जाती कुछ समय के लिए। तो याद रखिए उस समय ये नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है। देखिए इनको दोस्तों याद रखिए, आरजीबी, आपने सुना होगा एक शब्द आरजीबी, ठीक है, आरजीबी, रेड ग्रीन और ब्लू, इन तीनों को प्राइमरी कलर कहा जाता है, प्राथमिक रंग का नाम दिया जाता है, ठीक है, प्राइमरी कलर या प्राथमिक रंग का नाम दिया जाता है। दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ना हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में, हम लोग उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, जितने भी होते हैं ना सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष होगा। मैंने कहा भाई कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के अपोजिट में होता है, अगर सूर्य पूरब में है तो पश्चिम, अगर पश्चिम में है तो पूरब में, और यदि सूर्य ऊपर है, ठीक ऊपर, दोपहर के 12 बजे सूर्य कहां होता है, लंबवत होता है, तो ऐसे में इंद्रधनुष जमीन पर थोड़े बनेगा, ये तो गलत है ना, मतलब इंद्रधनुष दिखाई ही नहीं देगा ऐसे समय में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही हो जाएगा। प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है, जल में, निर्वात में, वायु में या कांच में। सबसे ज्यादा होती निर्वात में, और यहां के अकॉर्डिंग न्यूनतम होगी कांच में, ठीक है, कांच में न्यूनतम होती है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे, तीव्रता से, तरंग दैर्ध्य से, वेग से, आयाम से। तो याद रखे तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तो याद रखे आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य से, दोनों से याद रखेगा, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है, बताइए। प्रकाश विसरित हो जाता है, जो प्रकाश आता है धूल कणों से टकरा करके विसरित हो जाता है ना, तो कारण क्या है, धूल कण हो जाएगा, ठीक है। जल वाष्प जब टकराता है तो इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका, लाल रंग का, प्रकीर्णन सबसे कम, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, तभी तो रेड लाइट जो सिग्नल होता है ट्रेन का या रोड का वो लाल कलर का होता है, ठीक है, क्योंकि ये सुगम होता है। आगे देखिए, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रयुक्त होता है, क्यों, करा है सुंदर होता है, गलत, या खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है, गलत, इसका तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, एकदम सही, ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वी से देखने पर आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है, आकाश को नीला दिखाई देने की बात करें, अगर पृथ्वी से देखते हैं, चंद्रमा से देखेंगे तो आकाश काला दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि वायुमंडल वहां पर नहीं है। तो यहां पर देखिए, सूर्य के प्रकाश का परावर्तन गलत है, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर
तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन। तो लघुत्तर वाले का होता है, दीर्घ वाले गलत हो जाएगा दोस्तों। लघुत्तर याद रखिए, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुका था, तो याद रखिएगा यहां पर प्रकीर्णन के मामले में लघुत्तर तरंगों की बात होती है। मृग मरीचिका, वही यार रेगिस्तान वाला है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर कर लीजिए, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके अलावा अपवर्तन नहीं दिया नहीं तो उसका और स्थलीय तापन को मिलाने से भी यही बनता है, ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। तो यहां पर मेघ मरीचिका के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर ये नहीं दिया ऑप्शन में, और क्या ऑप्शन में दे दिया है, स्थलीय तापन दे दिया है और अपवर्तन दे दिया, तो दोनों को मर्ज करेंगे तब भी ये कंडीशन बन जाती है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है, काला, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन को दर्शाता है, तो सबसे ज्यादा विचलित होने वाला रंग है बैगनी, ठीक है। इसलिए अगर दूर से आपको बैगनी रंग देखना हो ना, तो थोड़ा भी अगर मौसम खराब है तो दिखाई नहीं देगा। लाल रंग की सुग्राह्यता सबसे ज्यादा होती है। प्रकाशी फाइबर, वही ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात कर रहा है, वही इंडोस्कोपी वाला याद है ना, तो याद रखे पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। इंद्रधनुष किस घटना से बनता है, तो यह भी आपको पढ़ा चुका हूं, अपवर्तन परावर्तन दोनों मिला लीजिए, सही है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। बस अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को शेयर कर दीजिए, आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता हूं, सिर्फ इतनी बातें। इसके अलावा अगर आपको डिटेल से कोई सब्जेक्ट की तैयारी करनी हो और किसी भी एग्जाम को अगर आप दे रहे हैं, तो हमारे वेबसाइट पर विजिट करिए study91.co.in, यहां आपको अथाह चीज मिल जाएगा। बहुत सारे मटेरियल फ्री आप कॉस्ट रखे हैं, वहां विजिट करके आप चीजों को पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं, बहुत कुछ आपके लिए रखा हुआ, तो वहां विजिट करिए और डिटेल में चीजों को पढ़िए। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी एक एक विषय को डिटेल से पढ़ाएगा, तो आप आकर के देख सकते हैं वीडियोस को, ठीक है। चलिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।